हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो कल की स्ट्रीम जो थी उसमें मैंने कंप्लीट तुम लोग का चैप्टर करा दिया था। एक कोहलरॉश लॉ वाला टॉपिक जो है वो बच गया था बिकॉज स्ट्रीम में थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी। सो कोहलरॉश लॉ जो है वो हम आज कर लेते हैं। सो लुक, कोहलरॉश लॉ की अगर हम बात करें सबसे पहले, सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। तुम्हें बस इलेक्ट्रोलाइट से रिलेट ऐसे करना है। कैसे रिलेट करना है? लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl। सो अगर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की बात करूं, हमें पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, यहाँ पे कैपिटल लैम्डा कह सकते हो और ये स्मॉल लैम्डा है, ठीक है। सो इस तरह से डिनोट करते हैं। सो हम इसकी डेफिनेशन या फिर कोहलरॉश लॉ एग्जैक्टली क्या स्टेट कर रहा है वो कैसे समझ सकते हैं? इफ यू टॉक अबाउट any electrolyte, so the limiting molar conductivity of any electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the cation and the anion, ठीक है। तो यही हमारा कोहलरॉश लॉ है, काफी सिंपल है। एप्लीकेशन क्या होती है देखो इसकी। एप्लीकेशन जो है फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, सो अल्फा की जो वैल्यू है दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। अल्फा जो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा नॉट एम क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वैल्यू होती है ना वो 1 से कम होती है, ठीक है, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उनके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कोहलरॉश लॉ। सेकंड इज अगेन जो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो वो हम इजीली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द कोहलरॉश लॉ, ठीक है। तो ये दो इसके एप्लीकेशंस हैं। तो कई बार एप्लीकेशंस भी आते हैं कि स्टेट द एप्लीकेशंस, तो एक या फिर दो एप्लीकेशन आता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तुम ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात तो कर रहे हैं कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो कैसे कर सकते हैं? सो वो यहाँ पे आता है। तो इसका तुम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। Now, before moving on to our video, I would like to tell you all about the Unacademy Plus as well as Iconic subscription. So, अगर किसी को भी purchase करना है ना, so it's the best time कि तुम अभी purchase कर लो, because जो price है Unacademy के subscription का वो rise करने वाला है। दोनों ही Plus and Iconic subscription का price बढ़ने वाला है। So, जो price rise है कि कितना बढ़ने वाला है वो clearly तुम लोग देख सकते हो। So, अगर किसी को भी purchase करना है ना तो अभी कर लो। ANJV10 जो code है वो use कर लेना, जो कि clearly तुम screen पे भी देख सकते हो। अगर तुम मेरा code use करोगे तो तुम्हें extra 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो भी सब्सक्रिप्शन तुम परचेस करते हो उसमें। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बैचेस में तुम एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, वो लाइव क्लासेस को तुम अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास होती हैं बिकॉज देन लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स, PDF एज वेल एज जो क्लासेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें देखने को मिलती है। एज वेल एज अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं बिकॉज उसमें यू ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटोर। तो उसका प्राइस जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहाँ पे लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं एज वेल एज पेरेंट कंट्रोल भी उसमें देखने को मिलता है। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, सो अभी ही कर लो बिकॉज देन प्राइस बढ़ जाएगा। एंड कोड डेफिनेटली यूज कर लेना जो कि है ANJV10। इसी के साथ ही अनअकैडमी तुम लोग के लिए लेके आया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि तुम्हें तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो 26 से 29 मार्च के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा 5 PM ऑनवर्ड्स। सो अभी एनरोल करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज कर लेना। सो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये हमें पता है। तो इसकी अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना तो इसका डिसोसिएशन होगा, तो CH3COO माइनस आयन बनेगा प्लस वील हैव लैम्डा नॉट H प्लस आयन। तो हम कैलकुलेट इसे कैसे करेंगे? इसके लिए वी हैव टू इंसर्ट NaCl इन इट, बिकॉज डायरेक्टली मैं इस तरह से ना कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मुझे इंडिविजुअली इसकी वैल्यू नहीं पता है एंड इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो मैं इसमें NaCl ऐड करती हूँ। नाउ इफ आई ऐड NaCl टू इट तो क्या होगा? लैम्डा नॉट CH3COO माइनस। अब ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ तो इसमें NaCl तो होगा नहीं, तो अगर मैं NaCl की वैल्यू को एड अप कराऊंगी तो उसी वैल्यू को मुझे क्या कराना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, ये काम हमने कर लिया। उसके बाद देखो क्या हुआ फर्दर, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। सो जब इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रही हूँ सो लैम्डा नॉट दिस प्लस दिस। अब देखो इसको मैं लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस लिख सकती हूँ, और ये वैल्यू एज इट इज लिखे रहने दो बिकॉज वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें पता होगी। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, नेगेटिव आयन एंड द पॉजिटिव आयन, दोनों को कर दो ऐड अप। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी सो अकॉर्डिंग टू द कोलरॉश लॉ मुझे किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, CH3COONA की, बिकॉज ये भी हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। सिमिलरली इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं सो ये हमें किसकी वैल्यू देगा, HCl की, सो माइनस दिस। अब देखो ये तो था मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट नाउ ये और ये तीनों ही क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अब मैं इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो कई बार हमारा ना क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में ना तुमसे क्या पूछा जाएगा कि इसको इन वैल्यूज में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, तो इस मेथड से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। एंड सिमिलरली कई बार क्वेश्चन आता है तुम्हें CH3COOH की वैल्यू पूछेंगे एंड तुम्हें जो वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वो CH3COONA, HCl या फिर NaCl की गिवन रहेगी। तो ये एक ही एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड NH4OH वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी वैल्यू भी तुम इन द सेम वे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो काफी सिंपल है। यहाँ पे एक और टॉपिक मैं तुम लोग को आज इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। कल के सेशन में थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी तो इसीलिए वहां पे मैं नहीं बता पाई थी। सो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज हम जैसे NaCl है तो वो तो डायरेक्टली Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो रहा है, बट अगर मैं Al2SO4 3 ये ले लूं तो Al3+ आयन होता है मेरा और SO4 2- होता है, बट Al2 है तो 2Al3+ आएगा और SO4 3 है तो 3SO4 2-। तो ये जो हमारा 2 है और ये 3 है, मतलब जो हमारे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज हमारे आगे आएंगे। तुम्हें पता है ना अगर Al2SO4 3 को मैं डिसोशिएट करूंगी तो वो इसी तरह से हमारा डिसोशिएट होगा, तो जो भी मेरे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आगे आएंगे एंड नीचे तो मेरा आयन ही आएगा, ये मुझे पता है Al3+ और SO4 2-। इन द सेम वे अगर इसका मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, लैम्डा नॉट Al3+ है प्लस लैम्डा नॉट Cl-। बट अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, Al3+ प्लस 3Cl-, है ना। तो यहाँ पे जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 वो भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो कि तुम लोग का बचा था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड अगर तुम लोगों ने लाइव सेशंस नहीं देखे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही तुम लोग देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।